बोल रहे हैं कि एक फॉर्चूनर ले लेंगे, कोई बोल रहे हैं 10 गो ले लेंगे, कोई बोल रहे हैं हम 7,000 के खाली डीजल जला लेते हैं। गुंजन सिंह कितना जला देते हैं? हम ये सब जोड़ते नहीं हैं और चलिए, सब ये सब छोटा मोटा बात है, इस पे क्या हम बात करें। आज के जैसा थोड़ी है, आज के तो समय में कोई भी कुछ गा दे रहा है, लेकिन वो मगही कहाँ है। हाँ, फिर भी वो आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है। प्रयास तो था, आज के डेट में तो मार्केट खराब हो ही गया है, लोग सब कुछ भी गा रहे हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ठीक भी गा रहे हैं, कुछ लोग तो एकदम क्या कहा जाए, चलिए जिसको जो इच्छा करे गाए। बाकी इतना ध्यान रखना चाहिए कि मगही किस प्रकार से हम लोग कैसे कहाँ से कहाँ लाए हैं और एक रास्ता बनाएं। तो आज बहुत सारे कलाकारों को खाना और पहनना मिल रहा है इसी से। कि पागल बना के हमरा हाय, कि पागल बना के हमरा घूमो ही पटना में एक बेरी मिल लिए, एक बेरी मिल लिए अराची पागल खनवा में एक बेरी मिल लिए। वेलकम टू एनएनएक्स, मैं हूं नीतीश और हमारे साथ भोजपुरी एवं मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह हैं और बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, इधर एक गाना है काफी जबरदस्त इवेंट के साथ, पहले हम चाहेंगे उस गाने को दो लाइन सुना दीजिए भैया। हाँ, जवार इतना रिश्तेदारी माई बाबू बैध के दर्द से उबारी, कि मारे यार जे के यहाँ के सहारा बनल बा, अगिया लगा दी अपना कोट में हुजूर बोली दिल तोड़ लापा कवन धारा बनल बा। मगही के नाम फेम देने वाले गुंजन सिंह और कहीं ना कहीं मगही और आगे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग तक जा रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा भैया? बहुत अच्छा, हम लोग शुरुआत ही किए थे ककोलत के झरना से मगही के गाने का, पहले भी गाना आता होगा लेकिन इतना फेमस नहीं था जितना कि ककोलत के झरना से हुआ। लोग प्रयास कर रहे थे, प्रयास करना भी चाहिए, करते करते हम लोग ही प्रयास किए ककोलत के झरना में, तो रिस्क था लेकिन वो जब हिट हो गया तो करीब 300-400 गाना हिट हम दे दिए मगही में, जो कि लगातार मगही के नाम फेम देने वाले भैया कहीं ना कहीं गुंजन सिंह हैं। और अच्छा बताइएगा, कहीं ना कहीं मगही तो लेवल बढ़ रहे हैं, भोजपुरी के लोग अब मगही में ज़्यादातर बदल गए हैं भैया, सुने लगे हैं, लेकिन बशर्ते बात यह है कि मगही में बहुत सारे ऐसे भी सिंगर हैं कि छोटे छोटे खातिर लड़ाई कर देते हैं, क्या कुछ बोलिएगा? ये सब पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, ये सब घास पात बात पर हम क्या बात बोले, विवादित क्षेत्र पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप बड़े हैं और आप कहने कहे मगही को उठाएं बहुत कोस्टली से, जो मगही सुनने वाले नहीं थे आप मगही को बनाएं भैया। मगही कहाँ बजता था, एक दो जिला में बजता था, हम लोग ऐसा किए कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी जाइए तो अपना गाना हर जगह बजा है। बिल्कुल, और बिहार झारखंड देश के हरेक कोने में अब बजने लगा मगही, तो काफ़ी मेहनत किया गया और साफ सुथरा गाना हम गाए हैं, जो भी मगही में गाए हैं जितना हिट है वो सब आंकड़ा जो पार है बड़े बड़े आंकड़ों में है, वो सब मगही का शब्दों का देखिए चयन किस प्रकार का किया गया है, कहीं से अश्लीलता नहीं है। आज के जैसा थोड़ी है, आज के तो समय में कोई भी कुछ गा दे रहा है, लेकिन वो मगही कहाँ है। हाँ, फिर भी वो आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है, जो कि अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 200-400 मिलियन जो भी गया है, लेकिन कुछ भी गा के लोग आ मार्केट में बज रहे हैं, लेकिन बशर्ते बात है कि उस तरीके का गाना नहीं है जिस तरीके का आपका वास्तविक में बनाया हुआ गाना था, क्या बोलिएगा भैया? प्रयास तो था, आज के डेट में तो मार्केट खराब हो ही गया है, लोग सब कुछ भी गा रहे हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ठीक भी गा रहे हैं, कुछ लोग तो एकदम क्या कहा जाए, चलिए जिसको जो इच्छा करे गाए। बाकी इतना ध्यान रखना चाहिए कि मगही किस प्रकार से हम लोग
आगे कैसे बढ़ा। कहाँ से कहाँ लाए हैं और एक रास्ता बनाए, तो आज बहुत सारे कलाकारों को खाना और पहनना मिल रहा है इसी से। और बात यह है कि उधर चुनावी मुद्दा में काफ़ी फंसे हुए थे और उसके बाद बीच में गाना थोड़ा कम आ रहे थे। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि सोशल मीडिया में शायद अब गुंजन सिंह मतलब कि गाना उना नहीं लाएंगे। क्या बोलिएगा जो आपके चाहने वाले दर्शक हैं? जनता और श्रोताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है, सब मेरे भगवान हैं और सबका प्यार बना हुआ है और उम्मीद रखते हैं मेरे से कि कुछ अलग लेकर के आएंगे। तो इस बार भी एक अलग गाना लेकर आए हैं अगी अलग आदि कोर्ट में, बिल्कुल, जो कि आज तक ऐसा गाना नहीं बना है बिल्कुल कोर्ट कचहरी पे इस प्रकार का सैड सॉन्ग। और अभी फिर एक दो गाना लेकर आ रहे हैं, अभी सारे गामा से एक गाना अच्छा जो कि इतिहास रहेगा, वो भी गाना पूरा मतलब इतिहास बदल देगा, एकदम अलग ही रहेगा। एक गाना जो कि पटनवा ये पागल खनवा वाला भैया काफ़ी गजब बजा और काफ़ी बढ़िया लगा इस गाना को सुनकर, थोड़ा सा वो गाने को दो लाइन गुनगुना दीजिएगा। हर कि पागल बना के हमरा हाय, कि पागल बना के हमरा घूमो ही पटनवा में एक बेरी मिल लिए, एक बेरी मिल लिए अराची पागल खनवा में एक बेरी मिल लिए। अच्छा गुंजन सिंह से आज हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में कितना तकलीफ हुआ था इस चीज़ों को लेकर, जिस समय गाना स्टार्ट किए थे नहीं बजता था, लगता था कि इस फील्ड में इतना बड़ा हम बन सकते हैं, आप क्या कुछ बोलिएगा? सब श्रोताओं का आशीर्वाद मिलता चला गया और हम लोग कुछ नहीं, सब वही हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है तो कोई भी कलाकार है। और जहाँ तक कि शुरुआत में तो बहुत स्ट्रगल रहता ही है, बिल्कुल, और सब दिन स्ट्रगल है, एक अच्छे कलाकार के लिए सब दिन स्ट्रगल है, रोज़ नया कुछ सोचना, कुछ लन फन गा करके तो चलना नहीं है, कुछ अच्छा ही गाएंगे ना, तो उस दिशा में जाने के लिए कुछ अलग रोज़ ही मेहनत करना पड़ता है। श्रोताओं का आशीर्वाद भी मिलता है, लोग सोचते भी हैं कि कुछ अलग आना चाहिए, उम्मीद रखते हैं, बाकी तो हर चीज़ गा करके छोड़ दिए हैं, बचा क्या है, सब कुछ गा दिए हैं पहले। समाज सेवी की अगर बात करें तो गुंजन सिंह हमेशा आगे रहते हैं, क्या बोलिएगा भैया? बहुत सारे आस लगा के बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी गरीब हैं जो कि आपसे आस लगा के बैठे हैं। हमेशा समाज सेवा में रहते हैं, गायक हैं तो समाज सेवक भी हैं, बिल्कुल, सेवा के भाव हमेशा मेरे दिल में रहता है और एक हर एक इंसान को कुछ न कुछ करना भी चाहिए समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, अगर आपके पास कुछ है तो उनको मदद करिए, नहीं तो आपके पास बहुत कुछ है तो उससे क्या फ़ायदा है, दूसरे को क्या फ़ायदा है। और एक इधर बहुत सारे जैसे कि आप गुरु हैं, बड़े हैं, और मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे भी सिंगर हैं कि छोटा छोटा खातिर बोलते हैं कि हम फॉर्चूनर से घूम रहे हैं तो इतना तेल जला देते हैं, इतना जला देते हैं, क्या बोलिएगा? क्योंकि आप गुरु हैं इस वजह से हम पूछ रहे हैं, और आप बड़े हैं आप सीख दीजिएगा, तो आपसे शायद हम जानना चाहते हैं भैया इस वजह से। ये सब परम का ये भी बोल रहे हैं कि एक फॉर्चूनर ले लेंगे, कोई बोल रहे हैं 10 गो ले लेंगे, कोई बोल रहे हैं हम 7,000 के खाली डीजल जला देते हैं, गुंजन सिंह कितना जला देते हैं? हम ये सब जोड़ते नहीं हैं और चलिए सब ये सब छोटा मोटा बात है, इस पे क्या हम बात करें। बिल्कुल, जो ब्रांड होते हैं भाई वो सब टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा क्या बोलिएगा, अभी हाल ही में आपके बेटे के बर्थडे थे और काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी सिंगर भी पहुँचे हुए थे, क्या कुछ बोलिएगा, कैसा रहा था बर्थडे भैया? बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे भोजपुरी मगही हर क्षेत्र से लोग आए हुए थे, एक्टर सिंगर, खूब बढ़िया रहा, सब बढ़िया एंजॉय किया गया, सब लोग आए आशीर्वाद दिए बच्चे को, खूब मगही अच्छा में लगा। फिल्म कब आने वाले हैं? देखिए अभी तो कुछ तैयारी वैसा है नहीं, लेकिन आएगा, हाँ जरूर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया लगा। अच्छा एक तो गाना सुना दीजिएगा भैया जो कि आप पहले मगही पहला गाना गाए थे, ताकि दर्शकों को याद आए कि भाई मगही का शुरुआत यहीं से हुआ था। अरे तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, क्या बात, कि तोरे खातिर अब जीना रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे,
कि चल बिहार नवादा घूमे बहु तोरा ककोलत के झरना। क्या बात है, तो हमारे जमुई कब आ रहे हैं? अरे जमुई मेरा घर ही है, जमुई से बहुत प्यार मिलता है। बहुत प्यार मिलता है, अरे एक नंबर, बहुत मजा आता है जमुई से। चलिए बहुत बढ़िया लगा भैया आपके घर आए और इतना सारे प्यार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मगही एवं भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह थे। बाकी क्या सोचने वीडियो के माध्यम से शेयर करिएगा। लव यू, ऑल द बेस्ट।